पाकिस्तान का अध्यक्ष हूं। सबसे पहले मैं अपने उन पांच वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी टीम की ओर से, और भगवान जी से यह प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी को उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और भगवान इन वीर सैनिकों को अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, लगातार अपनी धरती से आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत की धरती में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर भेज रहा है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कल पुंछ के अंदर हमारे पांच सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। हम पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी देते रहे कि सुधर जाए पाकिस्तान। हम केंद्र सरकार से भी लगातार आह्वान करते आए हैं, हम केंद्र सरकार से हमेशा यही मांग करते आए हैं कि अब केवल दो विकल्प जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं, एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के ये दो ही विकल्प हैं जिनको अब भारत सरकार ने है जो है वो यूज करना चाहिए। दूसरा, महबूबा मुफ्ती, लगातार यहाँ पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये पाकिस्तान लगातार आतंकी यहाँ भेज रहा है, और ये महबूबा मुफ्ती का जो है पाकिस्तान प्रेम जो है वो जगह जगह मीडिया के माध्यम से हमें सुनाई दे रहा है। वो कल भी कह रही थी कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। वो हमारे शहीद सैनिकों को मारे गए सैनिक कहती है, वो आतंकवादियों को शहीद कहती है, सैनिकों को मारे गए कहती है। जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर, जो नेता हमारे देश के अंदर सैनिकों का सम्मान नहीं देता, उस नेता को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती को इतना प्रेम जागृत हो रहा है तो इमरान खान के पास जो है पाकिस्तान चली जाए, उसका भारत की धरती पे कहीं यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं, पाकिस्तान को तो सबक सिखाए, उसके साथ इन नेताओं को भी सबक सिखाना चाहिए जो लगातार देश विरोधी बातें जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी बातों से कश्मीर के अंदर युवा जो हैं वो भटकते हैं, वो इसीलिए युवा वहाँ पर आतंकवाद का जो है वो दामन पकड़ रहे हैं। हमने कल भी देखा, एक वीडियो वायरल हुआ मीडिया के माध्यम से, आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था। हमने कितनी बार कहा कि सरेंडर नहीं चाहिए हमें, हमें इनको गोली मारनी है, इनको जिंदा जलाना है बीच चौराहों के बीच में, आप सरेंडर करवा के फिर हमारे सैनिकों को शहीद करवाओगे क्या? इसलिए यही मांगे लेकर आज हम यहाँ पर विरोध